नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। रक्षाबंधन के अवसर पर मध्य प्रदेश की पीएचई विभाग की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके और भाजपा महिला मोर्चा की बहनों ने मंडला जेल में बंद कैदियों को राखी बांधी है और उनके साथ भाईचारे की डोर बंधवाई है। आपको बता दें, संपतिया उइके ने जेल में बंद उन कैदी भाइयों को राखी बांधी जिनसे उनके परिवार का कभी कोई भी सदस्य मुलाकात करने नहीं आता। साथ ही संपतिया उइके ने कैदी भाइयों को राखी बांधकर उपहार में जेल से बाहर निकलकर अच्छा काम करने का संकल्प दिलवाया है। कैदियों ने मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि उनके इस कदम से समाज में फिर से अच्छा काम करने में मदद मिलेगी। मंडला से दीपक जाट की रिपोर्ट। मंडला जेल में हम लोग सभी, हमारी महिला मोर्चा की बहनें और हमारी सभी बहनें यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज हम लोगों ने ये, आज ही नहीं हमेशा हम लोग करते हैं, और आज यहाँ पे हमने जेल अधीक्षक से बात किए और अपने लोगों से बात किए। इसके बाद जो लोगों को कभी कोई उनके परिवारजन नहीं आते मिलने, ऐसे लोगों को चिन्हित करके और उनको आज हमारी महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की बहनों ने आज यहाँ पे उनको सबको राखी बांध रहे हैं। और आज आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे 13-14 लोग हैं जिनको कभी कोई मिलने नहीं आते, जिनके परिवार से, उनको आज हम लोग यहाँ आकर के राखी बांधे ताकि उनको ये ना लगे कि हमारे परिवार से कोई नहीं आए। और हम लोगों ने आज यहाँ पे संकल्प भी उनके माध्यम से दिलाए हैं कि जाने अनजाने में जो भी आप लोगों ने भूल किया, जिसके कारण से आप यहाँ पे जेल आए और सजा काट रहे हैं, दोबारा ऐसी कोई गलती पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए भी हम लोगों ने उनसे संकल्प लिया। हमारे जी का कहना है कि आप लोग अच्छा रहो, यहाँ से निकल जाओ और उसके बाद कोई ऐसा गलती नहीं करना जीवन में जो दोबारा जेल आना पड़े। और ये बता रहे हैं कि जो भी आपके केस वगैरह में पैसे लगेंगे तो वो हम लगाएंगे, तो ये आशा रखते हैं कि महादेव जी हमारे लोगों को जमानत करवा दे और उसके बाद यहाँ से निकल के जाएं तो अच्छी जीवन गुजारें। जो भी जाने अनजाने गलती हो गई उसके बाद भी कभी ऐसी गलती नहीं करे जो हमें यहाँ आना पड़े जेल के अंदर। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे बहनें नहीं यहाँ तक आ पा रही हैं, बहुत दूर से हैं, तो आज हमारे बहन के रूप में आके राखी बांधी और हमारी माता बहन जैसी है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जाके यहाँ मंडला से हमारी बहनें आई और हमने रक्षाबंधन की राखी बांधी और संकल्प भी बोली और अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित की। मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार जो है बहनों को इस बार प्रत्यक्ष रूप से राखी बांधने का निर्देश प्राप्त हुआ था, उसके उपलक्ष्य में हमारे द्वारा आज बहनों को अंदर लेकर के राखी बंधवाई जा रही है। उनके द्वारा कल दूरभाष पर चर्चा की गई थी कि ऐसे बंदी जिनसे कोई मुलाकात करने नहीं आता हो, हमें उनकी जानकारी दे दीजिएगा। तो ऐसे 10-12 बंदी थे जिनके परिजन जो 8-9 महीने से आए नहीं है, तो उनको वो राखी बांधने के लिए आए हुए थे। ममता दीदी चलो अनुकूल।